आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के करेला चकलाल चंद निकट मनकाडी में स्थित शंकर फ्यूचरिस्टिक स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के प्रथम आने पर उनको विद्यालय की तरफ से सम्मानित किया गया। बच्चों के सम्मान समारोह में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि जीएनपुर कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडे का छात्राओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। उसके बाद कोतवाल ने केक काटकर बच्चों को खिलाया और उनका उत्साह वर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना। वही विद्यालय प्रबंधक उमा शंकर यादव ने मुख्य अतिथि जीएनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे और ज्ञानेंद्र मिश्रा सहित अन्य लोगों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक उमा शंकर यादव ने कहा कि इस क्षेत्र में विद्यालय खोलने का हमारा उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। हमने शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरा जोर देने का प्रयास किया है। मैं बच्चों की इस सफलता पर उन्हें शुभकामनाओं के साथ उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। वही विद्यालय निदेशक मंजू देवी ने कहा कि हमारे लिए ये गर्व की बात होगी कि विद्यालय के छात्र और छात्राएं अच्छे शिक्षकों के दिशा निर्देशन में अपनी मेहनत के दम पर आज सफलता पाई है। आगे भी इसी तरह के सार्थक प्रयास से बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य अभिषेक यादव ने आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सगड़ी तहसील क्षेत्र का एक उभरता हुआ संस्थान जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी एक ऐतिहासिक मिसाल कायम किया है। विद्यालय की छात्रा श्रेया मौर्य 10वीं कक्षा में 94.6%, आलोक यादव 84% अंक प्राप्त कर यह दर्शा दिया कि मार्गदर्शन सही हो तो हमारी पढ़ाई केवल शहरों तक ही नहीं सीमित हो सकती। उचित मार्गदर्शन और अच्छे शिक्षकों के बीच रहकर अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं सहित विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। न्यूज 9 भारत के लिए शिखा रावत के साथ रोशन लाल की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? आपके विद्यालय में बच्चों ने अच्छे अंकों से परीक्षा को पास किया है, सर क्या कुछ करें? इसका श्रेय पहला प्राथमिकता तो बच्चे मेहनत किए हैं और दूसरी प्राथमिकता ये है कि हमारे अध्यापक बहुत कड़ी मेहनत किए हैं। ये महीने में शनिवार रविवार बच्चों को रोक करके अपने यहाँ पूरी तरह से उनको खाने पीने की व्यवस्था और उनका टेस्ट लेना और उनकी एग्जाम की तैयारी करवाना, ये हर महीने हमारे स्टाफ करते थे और उसका श्रेय है कि बच्चे का सहयोग, हमारे स्टाफ का सहयोग के द्वारा आज विद्यालय हमारा 2 ही साल में अच्छा प्रोग्रेस किया। इसके लिए आपने किस तरह से प्रयास किए सर? हमने प्रयास इस तरह से किया कि हमारे अध्यापक जो महीने में 1 दिन लग जाया करते थे बच्चों के साथ, 2 दिन लग जाया करते अपने यहाँ अपने खाने पीने की व्यवस्था करके कम से कम 16 घंटा उनकी तैयारी करवाते थे, उनका पूरा सहयोग करके के फिर शनिवार को रोकते थे और सोमवार के दिन को घर भेजते थे क्योंकि कहाँ कमी है, कहाँ से उनकी कमी हो रही है उसको पूरी तरह से दूर करते थे। ठीक सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया मौर्य है। अच्छा, इतने अच्छे अंकों से पास हुई, इसका श्रेय किसको देना चाहिए? इसका श्रेय अपने सबसे पहले तो अपने टीचर्स को दूंगी क्योंकि सबसे पहले वही हमेशा मेरी मदद करते थे और दूसरा मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी क्योंकि उन्होंने भी कभी कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो हमेशा सॉल्व करने के लिए रहते थे। परीक्षा की तैयारियों के दौरान कितनी दिक्कतें हुई हैं आपको? दिक्कतें होती थी बिकॉज बहुत सारे एक ही साथ कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा पढ़ने को हो जाता था तो प्रेशर भी क्रिएट हो जाता था, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग से हम प्रिपरेशन करते हैं तो फिर लास्ट में जाके उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन हमेशा स्टार्टिंग से शुरू करें और कंसिस्टेंटली अपने स्टडीज को। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे अभी सोचा नहीं है कि फ्यूचर में क्या करना है, पर अभी 11th के लिए मैंने मैथ्स लेने के लिए सोचा है। अच्छा, टीचर और परिवार लोगों का सहयोग कितना रहा है? टीचर्स ने तो हमेशा ही सहयोग किया है चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो और मेरी फैमिली ने भी हमेशा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।